आज मैंने इस हैदराबाद में सरदार जंग म्यूजियम में हमारे सांस्कृतिक शाखा के डिपार्टमेंट से जो डिजिटल लाइब्रेरी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आज जो मुझे इनॉग्रेशन करवाने का जो मौका दिया, मैं पहले हमारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये हमारे के जी कुमार डायरेक्टर और हमारे नागेंद्र रेड्डी साहब और वैसे ही हमारे तिरुद्धन जी, ये सभी लोग मिलकर इसको बताया, वो बहुत अनोखा है, ये बहुत अद्भुत है और ये है आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए, खास करके जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उन लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाली एक प्रदर्शनी है। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सामान्य गरीब परिवार से आया है और भारत की आत्मा के रूप में महात्मा गांधी के प्रतिरूप में उन्होंने अपने सामने जो कार्य किया देश के आज़ादी के बारे में, फिर इसके बाद में आज़ादी आने के बाद जो अंग्रेज लोग अपने को जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ऊपर हिंदुस्तान को बंटवारा करने का कोशिश किया और वो लोग जो है 556 जो है राजे रजवाड़ों को बनाकर उन्होंने देश को टुकड़े करने की उनकी मंशा था, लेकिन सरदार पटेल ने एक बहुत बड़ी हिम्मत से उन्होंने सारे लोगों को विविध भाषाएं और विविध आचार विचारें और विविध तरीके से जो है जीवन है वो भी उसमें कायम रखेंगे। तो वैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग सदियों से याद रखना चाहिए। आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, उनका भी जो है इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद भी उनका एक ही विश्वास है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और अपने विविधता में कितने भी लोग हमारे अलग वेश से अलग धारणा से हैं, लेकिन हम सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, उसको करने के लिए उन्होंने वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही जो है सारे जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं वो सब सारे जो है देश के लोगों को जुड़ाकर टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना चाहिए। वो कार्यक्रम आज हमारे सालार जंग म्यूजियम में जो पता है, मुझे बहुत आनंद हुआ, खुशी हुआ, मुझे समझा कि मैं सरदार पटेल जी को देखा नहीं, लेकिन आज उनको देखा हूँ, आज उनसे बात किया हूँ और उनसे जो है उनके विचारों को सुना हूँ, ये मेरा जीवन जो है इससे बहुत धन्य हुआ है, धन्य हुआ है। इसलिए मैं हमारे सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ।